हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स अकेडमी आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंटरनेट आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में कि ये क्या होता है इसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे एंड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं कि इंटरनेट का मतलब क्या है इंटरनेट होता है जहाँ पे हम बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो सीधा इंटरनेट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ दिस अनदर हमारे पास इंटरनेट को हम एक और टर्म भी बोलते हैं दैट इज़ नेटवर्क ऑफ़ नेटवर्कस तो अनदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसको हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स को या तो टेलीफोन लाइंस की वजह से रेडियो की वजह से सैटेलाइट्स की वजह से बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास जिनकी वजह से हम इन कंप्यूटर नेटवर्क को फिजिकली लिंक करते हैं तो ये है हमारा थोड़ा सा रिगार्डिंग द इंटरनेट जो आज हम यूज़ कर रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क ये होता है सिंपल वायरलेस ये हम शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं जैसे अगर हम ब्लूटूथ की बात करेंगे तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है हम एक दूसरे को फाइल शेयर करते हैं ब्लूटूथ की वजह से या शेयर की वजह से लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकता है अब एक इंसान जम्मू में है दूसरा श्रीनगर में है तो हम ब्लूटूथ की वजह से अपना डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते तो इसको ओवरकम करने के लिए आ गया हमारे पास लैन लाइन होता है लोकल एरिया नेटवर्क इसमें क्या करते हैं हम कुछ डिवाइस कुछ लिमिटेड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ये सिर्फ 2000 थाउजेंड फीट तक काम करेगा और ये जैसे ऑफिस की बात करो एक ऑफिस में एक लाइन हम लगा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी कैंपस में लगा सकते हैं एक फैक्ट्री में लगा सकते हैं जो वहाँ के मेम्बर्स आराम से वो यूज़ करते हैं एक बिल्डिंग में लगा सकते हैं आराम से अनदर हमारे पास आता है मैन मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क जो मेट्रोपोलिटीन एरिया नेटवर्क है ये थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लाइन लाइन से ये थोड़ा एरिया ज़्यादा कवर करता है जैसे बात करेंगे दिल्ली की ये एक मेट्रोपोलिटिन एरिया है यहाँ पे जो नेटवर्क लगा है जो इंटरनेट काम कर रहा है दाट इज़ कॉल्ड इज़ द मैन तो इन सिटीज़ कुछ कुछ सिटीज़ हैं हमारे इंडिया की जहाँ पर यह मेट्रोपोलिटीन एरिया नेटवर्क काम करता है इसकी बेनिफिट uh, लाइन से काफ़ी अच्छा है अनदर हमारे पास क्या है कि दाट इज़ डब्लू लाइन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अब ये क्या है ये हमें लैंड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लेकिन थोड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में जैसे 160 मीटर्स तक मतलब कम टाइम कम तक लेकिन लैंड से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहा है ज़्यादातर ये हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ केबलिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं है ठीक है मिसाल केबलिंग कहीं पर हम नहीं कर सकते केबल नहीं डाल सकते तो वहाँ पर यूज़ करते हैं लास्ट में हमारे पास आता है वैन दैट्स इस वाइड एरिया नेटवर्क तो वाइड एरिया नेटवर्क तो आप सब जानते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट इज इंटरनेट जो इंटरनेट है ये कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को आपस में आप अपना नेट खोल दो और उसके बाद आप कोई भी चीज़ आराम से गूगल से किसी भी चीज को आप देख सकते हो अब नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखते हैं ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं पहला आता है डायल अप ये हमें एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो क्या करता है मॉडर्म को यूज करता है और उसके साथ हमारे नेटवर्क को जोड़ देता है जैसे हम बात करेंगे टेलीफोन कनेक्शन की जैसे टेलीफोन कनेक्शन में क्या होता है दो लोग होते हैं दो एंड पे जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं ये भी उसी तरह ही है लेकिन यहाँ पे अब दो लोग नहीं होते हैं यहाँ पे दो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं जस्ट लाइक टेलीफोन की कनेक्शन की तरह आप टेलीफोन कनेक्शन में दो पर्सन होते हैं जो आपसे बात कर रहे होते हैं यहाँ पे दो कंप्यूटर्स होते हैं इन स्टेड ऑफ दैट इंडिविजुअल्स तो ये है हमारा कौन सा कनेक्शन दैट इज द डायल डायलॉप कनेक्शन ये देखिए थोड़ा सा फिगर से क्या कर रहा है ये कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ रहा है किसकी मदद से मॉडर्म की मदद से ये बीच में जो है दैट इज मॉडर्म अनदर हमारे पास है दैट इज़ आई एस डी एन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ये देखते हैं क्या होता है ये हमारे एक कम्युनिकेशन लाइन है जिसकी वजह से हम डेटा वॉइस वीडियो कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं ठीक है शेयर कर सकते हैं और बेनिफिट क्या है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है आराम से हम इन सेकेंड्स में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अब अनदर जो हमारे पास आई में है ये यूज़ करता है क्या ये पैकेट स्विचड नेटवर्क भी यूज़ करता है सी ए टी वी नेटवर्क भी यूज़ करता है आपको ऑप्शन में आ सकता है कि ये क्या यूज़ कर रहा है तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करता है अनदरा हमारे पास आता है डी एस एल दैट इज द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी स्पीड जो है कनेक्शन स्पीड वो अच्छी खासी हाई स्पीड होती है तो ये हमारे जैसे रेगुलर टेलीफोन की लाइंस होती हैं उसी टेलीफोन की लाइंस के साथ ही हम कनेक्शन uh, दे देते हैं और हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब uh, स्पीड की बात करोगे तो इसकी स्पीड जो है ना वो डायल अप कनेक्शन से तो कई ज्यादा है डायल-अप कनेक्शन की स्पीड थोड़ी कम ही रहती है डी एस एल की स्पीड उससे काफ़ी हाई रहती है अनदर हमारे पास आता है लीज्ड लाइन लीज लाइन क्या है ये एक और हमारे पास ऑल्टरनेट वे है जिसकी वजह से हम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर हैं। कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है दो कंप्यूटर्स को आप लीज लाइन की वजह से भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो ठीक है आप सेकंड है हमारे पास ये एक जस्ट लाइक एक प्राइवेट सर्किट है जो दो मशीन्स के बिटवीन रहता है uh, आप सिक्योरली अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो प्राइवेटली कोई भी दो पर्सन कोई भी दो कंप्यूटर्स मशीन ज्वाइन कर सकते हो अनदर हमारे पास जो है ये लीज़ लाइन में क्या यूज़ कर सकते हैं हम ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं हम इसमें फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिक केबल्स का यूज़ करते हैं तो ये कुछ uh, चीज़ें हैं जो हम अपने लीज़ लाइन में यूज़ कर सकते हैं अब देखेंगे आईपी एड्रेस के बारे में दैट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस तो इसका एड्रेस ये जो है ज़ीरो ज़ीरो जीरो थ्रो टू फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव मतलब जीरो से लेके 255 टू फाइव फाइव तक कोई भी एड्रेस दे सकते हैं लाइक जीरो पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी एनी थिंग अप टू फाइव 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 तक अब हमारे पास एक और आता है दैट इज़ द डी एन एस अब डी एन एस का मतलब डोमेन नेमिंग सिस्टम ये हमारे पास एक ऐसी इंटरनेट सर्विस है जिसकी वजह से हम अपने डोमेन नेम्स को आई पी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आई पी एड्रेस को डोमेन नेम्स में जैसे बात करेंगे एग्जाम्पल बेस्ट माइक्रोसॉफ़्ट डॉट कॉम ये डोमेन नेम है याहू डॉट कॉम डोमेन नेम है आसान हो जाता है हमें याद करने में आई पी एड्रेस तो होते हैं जीरो पॉइंट वन पॉइंट समथिंग ऐसे ऐसे वो मुश्किल होता है तो इसलिए हम आसानी के लिए यूज़ करते हैं डोमेन नेम्स जैसे हम सी ओ एम यूज़ करते हैं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओ आर जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी ओ वी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ई डी यू हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे हम कभी लिखते हैं ना याहू डॉट कॉम डॉट कॉम का मतलब ये कॉमर्शल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हम जॉब्स डॉट जी ओ वी हम देखेंगे कुछ भी तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं अब देखेंगे हम अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं देखिए अगर हमें फॉर एग्जांपल डेटा अपना ट्रांसफ़र करना है हम उसके लिए क्या करते हैं बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम हम उनकी वजह से अपना डेटे को डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं लेकिन इनको कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो स्टैंडर्ड रूल्स ये फॉलो करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में या डेटा को रिसीव करने में डेटा कोलिजनस जो है वो अवॉइड करने में डबलिंग ऑफ डेटा तो इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल्स अब जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादा दैट इज द टी आई अब ये टी सी जो है ये अलग अलग है टी अलग आई अलग लेकिन हम लिखते हैं इनको एक ही बार जैसे टी सी पी अब ये क्या है ये टी सी इसको हम अच्छी तरह से ब्रॉडली डिस्कस करेंगे अलग अलग करके टी क्या होता है और आई क्या पहले देखते हैं हम अपना टी सी पी डेट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इससे क्या है ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को क्या करता है इनेबल करता है और इसकी वजह से हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क पे लेकिन ये काफ़ी सिक्योर होता है ठीक है अब सेकेंड हमारे पास जो है आ, ये टी के बाद ये भी क्या है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दूसरा ये एरर चेकिंग मेकेजम प्रोवाइड करता है मतलब अगर आप सेंडर अपने रिसीवर को कोई भी डेटा सेंड कर रहा है ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचे ही ना कुछ एरर हो जाए किसी भी वजह से कनेक्शन डाउन होने की वजह से या रॉन्ग एड्रेस की कुछ भी जो भी एरर वहाँ पर आएगा तो टी उस एरर को फटाफट जाके प्रोवाइडर को सेंड करता है कि आपकी मैसेज नहीं गई वहाँ पर एरर था अनदर इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन ये हमारे पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है अनदर फ्लो कंट्रोल की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है क्वालिटी जो सर्विस की है बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल की तो ये प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं अपने किस पर्पज के लिए कम्युनिकेशन पर्पज के लिए तो यहाँ पे देखिए टीसीपी से कैसे हम कर रहे हैं डेटा तो दूसरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो हमारे पास है दैट इज आई पी आई पी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर तक वो एक पैकेट्स की फॉर्म में जाती है ठीक है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पैकेट्स इसमें क्या है कि अब डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या है इसमें जो पैकेट्स हम सेंड करते हैं ये डेस्टिनेशन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे क्या इसमें कोई एरर तो नहीं आया या कोई चीज़ ये उस चीज़ को चेक नहीं करेगा पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं वो इसका हैड एक नहीं है लेकिन जो हमने टीसीपी पढ़ा वहां पे अगर ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं तो ये उसी टाइम पे मैसेज सेंड करता है रिसीवर को क्या सॉरी से, सेंडर को कि यहाँ पे एरर हो गया लेकिन ये कोई भी ऐसी चीज़ सेंड नहीं करता तो अनदर जो है ये जो ओ एस आई मॉडल हमारा है उसमें नेटवर्क लेयर में आई पी होता है और अगर TCP की बात करेंगे वो किस लेयर में प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रेजेंट होता है ये लेयर्स क्या है ये ओ एस आई मॉडल की कुछ लेयर्स होती हैं अब हम कुछ कॉमन सी टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो हमें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है सबसे पहले होता है डब्ल्यू 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 वो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ये क्या है ये देखिए ये एक ये इंटरनेट का एक पार्ट है ठीक है जिसको हम एक्सेस करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से और इसमें क्या होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं किसकी वजह से हाइपर लिंक अब जो ये हाइपर लिंक है यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं और हाइपर लिंक को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी डी दी, डीपली कि ये हाइपर लिंक असली क्या चीज़ है ठीक है तो इंटरनेट में ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये हम बहुत यूज़ करते हैं अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं अपने वर्ल्ड वाइड वेब जो वेब पेज से वो एच HTML एक लैंग्वेज होती है जिसकी जिस फॉर्म में हम लिखते हैं अब ये देखिए हमारा हाइपरलिंक क्या होता है जब हम अपने ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है लर्न टू कोड फॉर फ्री ये जो फ्री कोड कैम ये देखिए इस पे जब हमने क्लिक किया ये एक लिंक थी क्लिक करने के बाद ये देखिए ये एक अनदर एक पेज ओपन हो गया यही होती है हाइपरलिंक ठीक है अब अनदर जो हमारे पास है दैट इज वेबसाइट अब देखते हैं वेबसाइट क्या है वेबसाइट में क्या होता है हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ जो पेज हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ठीक है हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेशन होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं इसमें क्या होते हैं वेब पेज होते हैं अब वेब पेज क्या है वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है ठीक है जैसे बाकी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स हैं सेम इसी तरह लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिसमें पिक्चर वीडियो ऑडियो कोई भी चीज़ जो है वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट है आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ कोई चाहे एजुकेशन की है चाहे एजुकेशन की वेबसाइट है या कि कोई भी वेबसाइट जब आप उसको खोलोगे तो वहाँ पे उसमें आपको वीडियोस भी दिखेंगे ऑडियोज़ भी दिखेंगे पिक्चर्स भी दिखेंगी कुछ भी ये होती हैं हमारी वेबसाइट्स जो हम यूज़ करते हैं ठीक है अब अनदर हमारे पास है यू आर एल यू आर का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या करता है ये वेबसाइट्स का एड्रेस क्या करता है डिफ़ाइन कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस क्या है तो ये लिखा कैसे जाता है ऐसे एच डी टी पी ऐसे आ, दो कॉलन करके स्लैश माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम बैक स्लैश इंडेक्स डॉट एच डी एम एल ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐसे लिखते हैं ये एक यू आर एल है अब जो इसमें हमारा एच टी टी पी है ये क्या है ये है प्रोटोकॉल जो हमने यूज़ किया है एच टी टी पी होगा यहाँ पे या कोई भी चीज़ यहाँ पहला चीज़ डिफाइन करता है प्रोटोकॉल जो अनदर चीज़ होती है ना ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसको बोलते हैं आई पी एड्रेस या इसको बोलते हैं डोमेन नेम ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ये हमारा यू आर एल है एच टी टी पी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये है एग्जाम्पल इसका ये देखिए ये सारे क्या है हमारा यू आर एल एड्रेस है तो आप ध्यान से देखिए ये यू आर एल एड्रेस ऐसे भी होता है टू जीरो एट पॉइंट सेवन सेवन यहाँ पे आई बी एड्रेस हो गया ये ठीक है अब हमारे पास आता है फोर्थ टर्म दैट इज एच टी टी पी मतलब हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज साउंड वीडियो ऑडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ एक सेंडर अपने रिसीवर को ट्रांसफर कर सकता है जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था एच मतलब हमने ये प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया काफ़ी सिक्योर होता है ये प्रोटोकॉल जब हम इसको और सिक्योर बनाना चाहे तो हम एच लिखते हैं साथ में तो वो एस का मतलब क्या सिक्योर काफ़ी सिक्योर है ये देखिए एच कैसे सेंड कर रहा है अपना रेस्पॉन्स सेंडर को ये सब होता है इसमें अनदर टर्म नेट सर्फिंग हम अक्सर यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है इंटरनेट में इसका मतलब होता है अपने नेट को ब्राउज करना अपने नेट को यूज करना जो भी हम ये फोन पर यूज करते हैं फोन चला रहे होते हैं ना इसको सर्फिंग बोलते हैं मतलब हम बोलेंगे आप क्या कर रहे हो अगर मैं नेट यूज कर रही हूँ मैं क्या बोलूंगी आई एम सर्फिंग द नेट मैं अपने नेट को यूज कर रही हूँ चाहे फिर आप उसमें गेम्स खेल रहे हो नेट पे या ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो डैम थिंग कुछ भी सेकेंड अब हमारे पास आता है सर्चिंग सर्चिंग का मतलब क्या है सर्चिंग का मतलब है जो हम अपने इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आपने फटाफट इंटरनेट खोला ब्राउजर खोला और ब्राउज़र में आ, लिख दिया कोई चीज़ उसको सर्च बोलेंगे ये डन ये हमारा एक आ, सर्च इंजन होता है जिसकी वजह से हमारी ये सर्चिंग प्रोसेस होती है जैसे गूगल याहू रिडफ हॉट बॉक्स ये हॉट बूट वस्ता ये सब जो है ना नस्ता ये सारी चीज़ें क्या हैं ये गूगल इंजनस ये सर्च इंजनस हैं जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ें जो भी नेट पे सर्च करते हैं ये उनको मदद करता है ढूंढने में जो भी चीज आप ढूंढ रहे होते हैं अपने इंटरनेट पे उस सब को प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर्चिंग बोलेंगे चाहे गेम ढूंढ रहे हैं चाहे कोई चीज ढूंढ रहे हैं या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट एनीथिंग थिंग तो ये था आज का हमारा लेक्चर तो अगर आप चैनल नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल